हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज का क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4√3 x² + 5x − 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमें इसका नेचर और रूट्स दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, 4√3 x² + 5x − 2√3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होते हैं, यानी कि 4√3। बी की वैल्यू होती है जो एक्स के साथ होते हैं, यानी कि 5। और सी की वैल्यू जो बच गया, यानी कि −2√3। तो इनकी वैल्यूज निकल गई। अब हमें नेचर निकालना है इसका। पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² − 4ac। बी की वैल्यू 5 रख देंगे, 5² − 4 × a की वैल्यू 4√3 × c की वैल्यू −2√3। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 4 = 16 होता है, और 16 × 2 = 32 होता है, और 32√3 × √3 होता है 3। तो 32 × 3 की वैल्यू आ जाएगी 96, और 25 + 96 की वैल्यू आ जाएगी 121, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 121, और जो कि 0 से ग्रेटर है। हेयर डी ग्रेटर देन 0, और जहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पे रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। तो अब हम रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालते हैं हम x = −b + −√b² − 4ac/2a। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी −b, यानी कि −5 + −√। अभी हमने b² − 4ac की वैल्यू निकाली 121, तो यहाँ पे 121 पुट कर देंगे, अपॉन 2 × a है 4√3। तो x = −5 + −121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, अपॉन 2 × 4 = 8√3। अब एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, तो x = −5 − 11 / 8√3। −5 − 11 हो जाएगा −16 / 8√3। 8 × 2 = 16, तो यानी कि −2 / √3 आई एक रूट की वैल्यू। और अगर एक बार प्लस करेंगे तो −5 + 11 / 8√3। 11 − 5 हो जाएगा 6 / 8√3। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8√3। तो यहाँ से आ गई √3/4। तो दो रूट्स की वैल्यू आई है −2/√3 and √3/4, और ये दोनों रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।